हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमारा बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो हमारा जीव विज्ञान का विषय है, उसके 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कलेक्ट करके आपके लिए मैं लेके आया हूँ। हम जो 50 क्वेश्चंस हैं, पहले 50 क्वेश्चंस वो इस वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी के 50 क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंटेंड इन क्लोरोफिल। जो हमारा परणहरित नाम का पदार्थ, जो तत्व होता है, जो पौधों में पाया जाता है, उसमें पूछा गया कौन सा जो मटेरियल है, जो कौन सा मेटल या पदार्थ कंटेन किया जाता है, उसमें कौन सा होता है। तो क्लोरोफिल में होता है हमारा परणहरित में मैग्नीशियम। ओके, याद रखेंगे मैग्नीशियम। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन। जो हमारा हल्दी है, जो पौधों से प्राप्त होती है, तो पौधे के कौन से भाग से ये हल्दी प्राप्त होती है, ये पूछा गया। तो ये हमारी होती है स्टेम, जो हमारा पौधे का तना होता है, तने से हल्दी बनती है और उसी से हमें प्राप्त होती है। लैक्रिमल ग्लैंड्स, जो लैक्रिमल नाम की ग्रंथि होती है, आर सिचुएटेड इन विच पार्ट, कौन से पार्ट में, बॉडी के कौन से पार्ट में जो लैक्रिमल। तो हम ये रखें CRY, क्राई। क्राई मीन्स आंसू आते हैं जो हमारे रोने से। ओके, इस तरह याद करेंगे लैक्रिमल। तो ये आई ऑर्बिट, जो आँख का हमारा अक्षेत्र होता है या आँख की कक्षा होती है, आई का ऑर्बिट, उसमें जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो वहाँ पे स्थित होती हैं। द स्पेसिफिक रोल ऑफ विटामिन के इज इन द सिंथेसिस ऑफ। जो हमारा विटामिन के होता है, उसका जो स्पेशल जो रोल होता है, वो कौन से किस चीज़ के सिंथेसिस में, किस चीज़ के निर्माण में होता है, ये पूछा गया। तो ये होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का पदार्थ होता है, उसके जो हमारा हॉर्मोन होता है, उसके निर्माण में विटामिन के का रोल होता है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। जो हमारा पौधे का जो जीवन चक्र होता है, पूरा जीवन चक्र, उसमें सबसे जो उसका जो इम्पोर्टेंट जो भाग होता है वो कौन सा होता है। तो फ्लावर, जो फूल होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है पौधे की लाइफ में। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज्ड RBCs, जो हमारा लाल RBC होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो हमारी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनकी मात्रा में इंक्रीज होना इन द ब्लड लीड्स टू कंडीशन। जो उनकी मात्रा में इंक्रीज हो जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है RBC की मात्रा, लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा, तो ये कौन सी कंडीशन को लेड करता है, मतलब कौन सी कंडीशन क्रिएट करता है, ये होती है पॉलीसीथेमिया। ओके, पॉलीसीथेमिया नाम की जो होती है, ये एक बीमारी भी होती है। ओके, तो लाल रक्त कणिकाओं के बढ़ने से पॉलीसीथेमिया हो जाता है। ओके, नेम ऑफ हार्मोन दैट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो हमारा जो है खून में जो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है इंसुलिन हार्मोन। ओके, द कलर ऑफ ह्यूमन फेस, फेस नहीं है सॉरी, ये होता है फेसिज, FACES, फेसिज, जो मलमूत्र होता है हमारा फेसिज। द कलर ऑफ वुमेन फेसिज, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, फेस की जगह फेसिज, बिकम्स येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट। एक जो हमारा फेसिज मलमूत्र का जो पीला कलर होता है, पीला रंग होता है, वो किस पिगमेंट की, जो किस पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण, किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है यूरोबिलिन या फिर इसको हम यूरोक्रोम भी बोलते हैं। ओके, यूरोबिलिन या यूरोक्रोम, ये एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे जो मलमूत्र का रंग पीला होता है। विच एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलीवा। जो हमारी लार होती है, मुंह से लार टपकती है, उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया। तो उसमें होता है टाइलिन। ओके, यहाँ पे पी साइलेंट होता है, टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है लार में। हैंसेन डिजीज, एक हैंसेन के नाम से बीमारी है, हैंसेन्स जो बीमारी है, इज आल्सो नोन एज, उसका दूसरा नाम पूछा गया है वो है लेप्रोसी। ओके, कुष्ठ रोग हो जाता है हमारा, छुआछात का रोग, कुष्ठ रोग। ओके,
तो हैंसियंस डिजीज का ही दूसरा नाम हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ए हेल्दी मैन। जो टर्म होती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड टर्म्स हैं, तो ये एक हेल्दी मैन में क्या होता, कितना होता है ये प्रेशर जो होता है, इसका मान पूछा गया है। इसमें यहाँ पे सिस्टोलिक क्या होता है, जो हमारा संकुचन, जो ब्लड प्रेशर जो मांसपेशियों की वजह से जो संकुचन होता है मांसपेशियों का उससे, और डायस्टोलिक उनका खुलना यानी तनाव मुक्त होना जो मांसपेशियों का, तो उन दोनों से जो ये सिस्टोलिक जो होता है वो उच्चतम रीडिंग नापता है जो कि 120 mm, ओके, और 80 mm डायस्टोलिक प्रेशर। ये मान पूछा है इनका, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। तो याद रखेंगे हमेशा, जो ब्लड प्रेशर है एक स्वस्थ आदमी में 120 mm और 80 mm, निम्न 80 mm और 120 mm उच्चतम मान होता है। विच इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रोंगेस्ट नेचुरल फाइबर, जो हमारा सबसे शक्तिशाली जो नेचुरल प्राकृतिक फाइबर होता है वो कौन सा माना जाता है, वो होता है सिल्क, जो रेशम का फाइबर है उसको हम सबसे शक्तिशाली फाइबर मानते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू डेंटल केरीज, टूथ डिके, जो हमारा दांतों का जो डिके होता है, दांतों का रोग होते हैं जिससे दांत ख़त्म होते जाते हैं हमारे, बिल्कुल कमज़ोर होते जाते हैं, वो किस चीज़ की कमी से होता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी, किस चीज़ की कमी से होता है, तो वो होता है हमारा फ्लोरिन, जो फ्लोरिन नाम का पदार्थ है जो दांतों में, इसकी कमी के कारण ये उनको दांत टूट जाते हैं यानी कमज़ोर हो जाते हैं। कंपेनियन सेल्स, जो हमारी साथी कोशिकाएं होती हैं, आर यूनिक टू, वो स्पेशल कौन सी कैटेगरी होती है जिनमें ये यूनिक होते हैं, कौन सी कैटेगरी के प्लांट होते हैं, तो ये प्लांट सेल हैं, एक प्लांट की कोशिका होती हैं। एंजियोस्पर्म, जो हमारे आवृत बीजी नाम के जो प्लांट किंगडम में जो कैटेगरी है वो इस तरह के वृक्ष या प्लांट है, एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी बोलते हैं हिंदी में उनको, उनका एक करेक्टर होता है मेन कंपेनियन सेल्स, जो साथी कोशिकाएं उनमें पाई जाती हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन, पूछा गया है जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम, ये क्या होता है, स्टेप पीस, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स में, याद रखेंगे स्टेप्स जो है, स्टेपीज या स्टेप्स, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में। नेक्स्ट, ए पर्सन फील फैटिग्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उसमें कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल के जमा होने से हम थके हुए महसूस करते हैं, तो ये होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक नाम का अम्ल होता है जिससे हम, जिसके ज़्यादा जमने से मसल्स में, ज़्यादा जमने से उसके हम थकावट महसूस करते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, पूछा गया, नंबर पूछा गया उसका, तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं, 22। विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग, जो हमारे ब्रेन का जो दिमाग का पार्ट है, पूछा गया कौन से पार्ट से जो हियरिंग, जो सुनने की हमारी शक्ति होती है वो कौन से पार्ट से एसोसिएटेड है, कौन से पार्ट से जुड़ी हुई है, तो ये होता है हमारा टेम्पोरल लोब, दिमाग का एक पार्ट होता है टेम्पोरल लोब, ओके, जो टेम्पोरल नाम का भाग होता है, टेम्पोरल नाम का पाली होता है, दिमाग का एक पार्ट होता है, दिमाग में कई पार्ट होते हैं, दिमाग हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो टेम्पोरल लोब है जो सुनने की शक्ति से रिलेटेड। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज, जो हमारी त्वचा है उसका सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की सतह होती है, उसका नाम पूछा गया है, तो हमारी जो सबसे ऊपर की सतह है त्वचा की उसको बोलते हैं ईपीडर्मिस, जो एक उत्तक होता है जो हमारा शरीर में, ईपीडर्मिस उत्तक बोलते हैं। मोटर स्किल्स आर एसोसिएटेड विद विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो पूछा गया, पहले पूछा था हमारा सुनने की शक्ति, पर अब पूछा गया हमारा मोटर स्किल्स, जो हमारे मोटर वगैरह गाड़ी वगैरह चलाने का हमारा कौशल होता है, स्किल होता है, वो कौन से पार्ट ब्रेन के, जो दिमाग है कौन से पार्ट से, ये होता हमारा फ्रंटल लोब, जो ललाट पाली होती है, आगे वाला भाग, बिल्कुल ललाट पाली। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाई होम, जो ब्लड ग्रुप्स हैं हमारे खून के, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं वो पॉजिटिव ए बी एट्सेट्रा जो ग्रुप होते हैं, वो पूछा गया कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इनको, तो इनको किया लैंड स्टेनर, याद रखेंगे लैंड स्टेनर नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया, ओके।
नेक्स्ट पूछा गया द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, जो मानव का खून होता है, रुधिर होता है, मानव रुधिर, उसकी पीएच वैल्यू पूछी गई है, जो पीएच स्केल पे उसकी वैल्यू नापी जाती है वो कितनी होती है, तो होती है 7.4 पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा गया है, तो ये कौन सी है, यह लीवर, जो हमारा जिगर होता है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ सबस्टेंस विच किल रेट्स, रेट पॉइजन होता है, जो हमारा चूहे वगैरह को मारने का काम करता है, उस पदार्थ का जो है रासायनिक नाम पूछा गया, कौन रासायनिक भाषा में क्या बोलते हैं उसको, तो वो होता है वाइट फॉस्फोर, जो सफ़ेद रंग का हमारा फॉस्फोरस होता है उसको बोलते हैं रेट पॉइजन, चूहों के लिए जहर होता है जो। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में, जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एच बी वैल्यू बोलते हैं उसको, तो उसमें कौन सी मेटल, कौन सी धातु प्रेजेंट होती है पूछा गया, तो ये होती है आयरन, जो लोहा होता है। विच मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ जीका वायरस, जो जीका नाम का विषाणु है, वायरस है, वो कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, कौन सा मच्छर उसका वाहक होता है पूछा गया। ओके, ये इसको कैरी करता है एक जगह से, मतलब एक आदमी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में लेके जाता है, ये जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है, एडीज मॉस्किटो, जो एडीज नाम का मच्छर होता है। नेम द गैस यूज फॉर वेजिटेबल घी, जो हम वनस्पति घी बनाते हैं उसमें के बनाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है पूछा गया, कौन सी गैस का प्रयोग, तो हाइड्रोजन गैस, वनस्पति घी बनाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेंटर ऑफ थ्रस्ट हंगर एंड स्लीप, जो हमारी भूख है, प्यास है और जो सोना है, सोते हैं हम, इन चीज़ों का जो केंद्र होता है ब्रेन का, दिमाग का पूछा गया, कौन सा पार्ट होता है इन सब का केंद्र, तो ये होता है हाइपोथैलमस, याद रखेंगे, ये हिंदी में भी हम हाइपोथैलमस बोलते हैं, ये दिमाग का पार्ट होता है जो हमारा भूख प्यास नींद आदि को कंट्रोल करता है। विच पार्ट रेगुलेट्स द क्वांटम ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई, जो हमारी आँख है, जो मानव आँख है, उसमें जो हमारी जो प्रकाश जो एंटर करता है, प्रकाश की जो मात्रा, उसको कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण में कौन करता है, ज़्यादा कई बार ज़्यादा आ जाती है प्रकाश की मात्रा और कई बार बहुत कम आ जाती है, तो इन सबको कंट्रोल जो रेगुलेट करता है, नियंत्रण करता है, इसका कौन सा पार्ट करता है जो मनुष्य की आँख का, तो ये होता है हमारा आयरिस, जो आँख की पुतली होता है, आयरिस को बोलते हैं, आँख की पुतली को आयरिस बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है। DNA stands for, DNA एक जो मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है पौधों में होती है, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं इसको हिंदी में, वाष्पोत्सर्जन। ओके, जो पौधे जो अपने पत्तियों के थ्रू, जो पत्तियों के द्वारा जो वाटर उनका पानी का लॉस होता है। ओके, तो पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर, तो इस प्रोसेस के दौरान कितने परसेंट वाटर हमारा जो है खो दिया जाता पौधे के द्वारा, तो 99%, बहुत ज़्यादा जो पानी है पौधे खो देते हैं इस प्रोसेस से। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, पूछा गया जो हमारे एनर्जी के पिरामिड होते हैं इस तरह से, उनका लेवल हायर लेवल, एनर्जी लेवल लोअर, लोअर सबसे लोअर, फिर हायर उससे भी हाई, सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल एनर्जी, तो जो पिरामिड होता है इस फॉर्म में, तो ये हमेशा कैसा होता है, अपराइट, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, ये अपराइट पोजीशन में होता है। पूछा गया है एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज, पूछा गया एडवर्ड जेनर के नाम के जो साइंटिस्ट हैं वो कौन सी बीमारी से जुड़े हुए हैं, तो ये थे स्मॉल पॉक्स, जो हमारा चिकन पॉक्स भी बोलते हैं इसको हिंदी में, छोटी माता के नाम से पुकारते हैं इस बीमारी को, तो इसकी इन्होंने वैक्सीन जो इनका टीका था वो डिस्कवर किया था, तो ये एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। द हार्मोन यूज्ड एज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, जो हमारा एक मौखिक ओरल यानी मुँह से लिया जाने वाला मौखिक कॉन्ट्रासेप्टिव, गर्भ निरोधक जो गोलियाँ या कोई भी वो होती हैं मेडिसिन, तो उनमें जो कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है, कौन सा हार्मोन जो मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है, तो वो हार्मोन का नाम है हमारा जो बॉडी में भी बनता है, प्रोजेस्टिरोन। ओके, याद रखेंगे प्रोजेस्टिरोन हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज होता है। विच विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी ए हॉर्मोन, पूछा गया कौन सा विटामिन एक हॉर्मोन की तरह समझा जाता है या हॉर्मोन माना जाता है, इसको जो हॉर्मोन के काम होते हैं वो विटामिन कौन सा करता है, इस तरह से विटामिन डी। ओके नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधों में होती है, इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ व्हाट, तो किस चीज़ का रूपांतरण होता है इसमें, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमारा सोलर एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में, जो सौर ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है पौधों के द्वारा। ओके, हु वाज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा खून का बहाव है, जो हमारा खून का प्रसार होता है, इसके बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने समझाया था, बताया था इसके बारे में, तो ये थे याद रखेंगे विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट थे। डॉग बाइट कैन कोज रेबीज, ये हमें पता है जो रेबीज नाम की बीमारी है कुत्ते के काटने से होती है। नेम दी अदर एनिमल दैट कैन ऑल्सो कोज रेबीज, एक और दूसरे जो पशु का नाम बताइए, एनिमल का नाम बताइए जिसके काटने से रेबीज हो जाती है, तो ये क्या है, बैट। याद रखेंगे डॉग के अलावा जो रेबीज की बीमारी होती है वो बैट, चमगादड़ होता है हमारा, जो चमगादड़ बोलते हैं वो उसके काटने से भी होती है। सलीवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच थिंग, जो हमारी मुंह में लार होती है, सलीवा होती है, वो किस चीज़ के डाइजेशन, किस चीज़ के पचने में, हमारे कौन सी वस्तु के पचने में सहायता करती है, ये होता है स्टार्च, जो सबसे पहले बॉडी में पचता है हमारा जाके, स्टार्च की जो पचने में सलीवा, हमारी लार होती है जो मुँह में, वो हेल्प करती है। ओके, विच इज स्वीटेस्ट शुगर, सबसे जो मीठी जो शुगर है, चीनी है, वो कौन सी मानी जाती है, क्या नाम है उसका, फ्रक्टोज। ओके, फ्रक्टोज होती है जो फलों से जो बनाई जाती है, फ्रक्टोज शुगर, वो सबसे मीठी शुगर होती है। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, पूछा गया कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो भी हमारा प्राणी जगत है, एनिमल किंगडम है, सभी उनमें, सभी मेंबर्स में पाया जाता है, उसके सभी जीव जंतुओं में पाया जाता है, सिर्फ एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को छोड़ के बाकी सभी में पाया जाता है ये एंजाइम, तो ये होता है एमाइलेज नाम का एंजाइम। याद रखेंगे हिंदी में भी हम इसको एमाइलेज ही बोलते हैं, एमाइलेज या अमीलेज, तो ये सभी मेंबर्स में, जो सभी प्राणियों में पाया जाता है सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़ के। विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, उनकी ग्रेवयार्ड यानी उनका कब्रिस्तान किस चीज़ को माना जाता है, कहाँ पे जो उनको दफन किया जाता है, ये होता है स्प्लीन, जो हमारी प्लीहा या रीढ़ हड्डी होती है, प्लीहा या रीढ़ हड्डी, वो है हमारी कब्रिस्तान होता है लाल रक्त कणिकाओं का। विच डिजीज इज कॉल्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग, जो एक पागल कुत्ता होता है उसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। ओके, जो पागल कुत्ता काटता है उससे हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी हो जाती है। व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ह्यूमन ब्लड, जो हमारा खून होता है उसमें एक कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल, जो एक जनरल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए, जो एक स्वस्थ आदमी है, या नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो कितना होना चाहिए, 180 से 200 mg/dL, जो 180 से 200 के बीच में मिलीग्राम पर डीएल डेसीलीटर। ओके, यूनिट है mg/dL, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल 180 से 200 के बीच। विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ ए लिविंग सेल, पूछा गया है जो सेल का, कोशिका का जो अंग है, कोशिकांग है, कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है, क्या नाम है उसका, जो हमारी कोशिका का पावर हाउस, जो बिजली घर होता है, जैसे एक बिजली घर होता है, हम उससे बिजली प्राप्त करते हैं, तो सारी पावर हम किस पार्ट से, किस कोशिका के अंग से प्राप्त करते हैं, तो उसका क्या नाम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट जीन, जो जीन है हमारे, जो हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं उनको सबसे पहले अलग करने वाला या उनको बताने वाला कौन था, पूछा गया साइंटिस्ट का नाम, तो ये थे हरगोविंद खुराना जी। याद रखेंगे हरगोविंद खुराना जी, जो जीन के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था, अलग से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट, एक नोबल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है जिनका नाम है जेम्स डी वाटसन,
उन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है, जेम्स डी वाटसन। इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड, पूछा गया कौन से, जो कौन सा क्षेत्र है जिसमें इन्होंने काम किया था। इन्होंने नोबेल प्राइज जीता पर उनका पूछा गया किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, तो ये था जेनेटिक्स का एरिया, जो जीन्स की स्टडी होती है वो जेनेटिक्स है हमारी, उससे रिलेटेड ये काम किया था इन्होंने, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन, पूछा गया है जो हमारी विज्ञान है उसकी कौन सी शाखा है, क्या नाम है उसका, जो किसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम जिसके बारे में हम स्किन ऑफ मैन, जो हमारे शरीर की आदमी की त्वचा है मानव की, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, तो उसका नाम क्या है विज्ञान की शाखा का, डर्मेटोलॉजी। ओके, त्वचा विज्ञान, डर्मेटोलॉजी नाम है, त्वचा विज्ञान उसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट, विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर की जो बीमारी हमारी कर्क रोग है कैंसर, उसके डायग्नोसिस, जो उसका निदान या मूल्यांकन करने के लिए जो होता है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है पूछा गया, तो उस टेस्ट का नाम है बायोप्सी टेस्ट, जो उत्तक परीक्षा टेस्ट भी बोलते हैं हिंदी में सिंपली उसको, तो नाम याद रखेंगे बायोप्सी टेस्ट ही लिखा होता है हर जगह। ओके, तो जो कर्क रोग है कैंसर है उसके डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए हम बायोप्सी टेस्ट करते हैं। विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स, जो हमारे ह्यूमन किडनी स्टोन्स पथरी होते हैं, मानव शरीर में जो पथरी हो जाती है, तो उसके पूछा गया है उसमें कौन सा जो रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक यौगिक है जो पाया जाता है मेनली हमारे किडनी स्टोन्स में, पथरी में। ओके, तो कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी में जो हमारे किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन किए गए हैं ये जीव विज्ञान का जो भाग है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं ये एग्जाम्स में। ओके, तो ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने होंगे। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और जो हमारा बेल आइकन बना है सब्सक्राइब बटन के साथ में ही, उसको दबाना ना भूलें। उसको दबाने से आपको हमारी जो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के 50 क्वेश्चंस बचे उनके साथ। ओके, थैंक यू।